हेलो फ्रेंड, मेरा नाम शौर्य कंसाव है और मैं आज आपको बताऊंगा स्मैश कैसे मारा जाता है। अगर आप एक बिगनर हो या इंटरमीडिएट प्लेयर हो और आपको स्मैश मारने में दिक्कत जाती है या आप ज़्यादा पावर जनरेट नहीं कर पाते, तो इस वीडियो में मैं पूरा बेसिक से बताऊंगा विद प्रॉपर टेक्निक एंड कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा स्मैश पावर इंक्रीज करने के लिए। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लीजिए। तो गाइस, सबसे पहले स्मैश मारने के लिए आपको फोरहैंड ग्रिप पकड़ना है। फोरहैंड ग्रिप कैसे पकड़ते हैं डिटेल में जानने के लिए आई बटन में क्लिक करें, नहीं तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। फोरहैंड ग्रिप पकड़ने के बाद आपको इस पोजिशन में आना है, ठीक है। ये बेसिकली हम एक रेडी पोजिशन बोलते हैं। जैसे कि मैं एक राइट हैंडेड प्लेयर हूँ तो मेरा राइट हैंड ऐसे ही आएगा और जो लेफ्ट हैंड है वो ऐसे करेगा, तो ये एक हम बैलेंस पोजिशन मिल जाता है। वहीं मैं अपने लोअर बॉडी की बात करूँ, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं राइट हैंडेड प्लेयर हूँ तो मेरा राइट लेग ऐसे फेस करेगा और जो लेफ्ट पैर है वो ऐसे फेस करेगा, ठीक है। और वहीं मैं अपने दोनों पैर के बीच में डिस्टेंस की बात करूँ तो जितना मेरा शोल्डर के बीच में डिस्टेंस होगा उतना ही मेरे दोनों पैर के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, उससे थोड़ा ज़्यादा भी होगा तो चलेगा, ठीक है। तो ये सब करने के बाद जब आप शटल को मारोगे तो सबसे पहले आपको अपना लेफ्ट हैंड स्ट्रेट करके पीछे की तरफ लाना है, ठीक है, स्ट्रेट करके पीछे की तरफ। तो कई लोग स्ट्रेट नहीं करके थोड़ा सा ही करके पीछे की तरफ लाते हैं, तो सब लोग का थोड़ा अपना अपना स्टाइल होता है, थोड़ा कम्फर्ट जोन रहता है। तो गाइस, मुझे अच्छा लगता है कि मैं स्ट्रेट करके पीछे की तरफ लाऊं। ये करने के बाद आपको क्या करना है, आपका हिप और जो आपका एल्बो है वो आगे की तरफ ऐसे रोटेशन करेगा, ठीक है, और जो मेरा फोरआर्म है वो अंदर की तरफ रोटेशन करेगा जब मैं शटल को मारूंगा, ठीक है। तो ये मेरा पोजीशन और ये हिप आगे और ये, ठीक है। और जब आप मारोगे तो जब आप शटल को मारने के बाद आपका जो रैकेट का जो फॉलो थ्रू होगा वो इस तरह आएगा, ठीक है। आपको ऐसे स्ट्रेट नहीं करना है, ठीक है, जब आप मारोगे ये तो आपको ये ऐसे स्ट्रेट नहीं करना है, ठीक है। मारने के बाद आपको क्रॉस लाना है, ठीक है, क्रॉस। तो गाइस, ये था मेरा स्टैंडिंग में डेमो। अब मैं आपको थोड़ा शटल के साथ मार के बताता हूँ। सो गाइस, ये था मेरा स्टैंडिंग पोजीशन में। अब मैं आपको बताऊंगा मूविंग पोजीशन में कैसे मारना है। मूविंग पोजीशन में मारने के लिए सबसे पहले आपको इस पोजीशन में आना है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। उसमें क्या होगा, बस थोड़ा सा चेंज रहेगा, जब आप शटल को मारोगे तो आपका राइट पैर भी आगे की तरफ आएगा, ठीक है। तो गाइस, जैसे कि आप क्रिकेट में देखे हो, जब बॉलर बॉल डालने के बाद एक जो फॉलो थ्रू रहता है, वैसे ही क्रिकेट बैडमिंटन में भी स्मैश मारने के बाद आपको एक फॉलो थ्रू करना पड़ता है। इसमें क्या है कि जैसे स्मैश मैंने मारा और एक फॉलो थ्रू, तो आपको अपना बॉडी का जो वेट है वो आगे की तरफ ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि स्मैश मारना बेसिकली आप स्मैश बैक कोर्ट से ही मारोगे, तो स्मैश मारने के बाद आपको आगे की तरफ आना है क्योंकि शटल आपको रिसीव भी करना है, ठीक है। तो गाइस, ये मैंने स्मैश मारा और आगे की तरफ आया रेडी होके शटल लेने के लिए, ठीक है। तो गाइस, कोशिश करना है आपको जब भी आप स्मैश मारें तो आपको मूविंग पोजीशन में मारना है। तो गाइस, जब भी आप स्मैश मारो तो जब मेरा रैकेट और जो शटल का कांटेक्ट है वो एकदम सीधा होना चाहिए, ठीक है। आप अगर रैकेट अपना टेढ़ा करके स्मैश मारोगे तो इससे क्या होगा, शटल कटेगी और पावर लूज करोगे आप। तो गाइस, कोशिश करना है जब भी मैं स्मैश मारूँ तो मेरा जो रैकेट का पोजीशन है शटल के साथ वो एकदम सीधा होना चाहिए, ठीक है। और जब आप स्मैश मारोगे तो आपको बेसिकली शटल के पीछे आना है, ठीक है, शटल के पीछे आना है। और जब स्मैश मारोगे तो आपको यहाँ से कॉन्टैक्ट करना है शटल के साथ, ठीक है। तो ये मेरा पोजीशन और आपको यहाँ से लेना है। तो चलिए, मैं आपको एक डेमो के रूप में बताता हूँ। तो गाइस, जब भी आप स्मैश मारोगे तो खाली आपको अपना बस अपर बॉडी का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। प्रॉपर स्मैश मारने के लिए आपको एक प्रॉपर टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जब मैं ये पोजीशन में आता हूँ और अपना पूरा पोजीशन से शटल मारता हूँ तो क्या होता है कि एक पूरा बॉडी में एक एनर्जी फ्लो होता है, एक पावर फ्लो होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं लेफ्ट हैंड से अपना पावर ट्रांसफ़र करके अपने राइट में ला रहा हूँ, ठीक है, फिर वहाँ जाके स्मैश मार रहा हूँ। वैसे ही मेरा लोअर बॉडी में भी दोनों पैर से वेट ट्रांसफ़र करके मैं अपर बॉडी में लाता हूँ, फिर उसके बाद स्मैश मारता हूँ। तो गाइस, पूरा फ्लो चलता है बॉडी का, फिर हम जाके पूरा स्मैश में ख़त्म करते हैं। तो प्रॉपर टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइस, मैं आपको तीन प्रैक्टिस बताऊंगा स्मैश इंप्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले मेरा स्टैंडिंग में डेमो, ठीक है। जैसे मैं स्टैंडिंग में डेमो कर रहा हूँ स्मैश का, वैसे ही आपको डेमो करना है, ठीक है। ये कम से कम 15 से 20 बार आप करिए,
ठीक है, जितना आपको कंफर्टेबल लगे। उसके बाद है कि दूसरा कि इम्पैक्ट वाला आपको रैकेट के बीच में मारना है, शटल को पावर नहीं लगाना है, खाली इम्पैक्ट वाला स्मैश मारना है। ठीक है, तो ये आपको इम्पैक्ट वाला स्मैश। उसके बाद जो मेरा तीसरा है उसमें आपको कम से कम उसमें पावर लगा के स्मैश मारना है। ठीक है, सो सबसे पहले मेरा डेमो था, जो सेकंड था वो इम्पैक्ट वाला था, और जो तीसरा है मेरा वो पावरफुल स्मैश मारना है। ठीक है, तो ये मेरा पावरफुल स्मैश। कोई स्टैंडिंग में डेमो, फिर स्मैश, फिर ये। सो गाइस, जो सेकंड है वो मेरा मूविंग पोजीशन में है, तो सबसे पहले उसको आपको डेमो में करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, मूविंग पोजीशन में डेमो आपको वैसे ही डेमो करना है। दूसरा है कि इम्पैक्ट वाला स्मैश मारना है, जैसे कि मैं आपको बताया था वैसे ही इम्पैक्ट वाला स्मैश। और तीसरा है कि पावरफुल, तो मैं डायरेक्ट पावरफुल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो पोजीशन ठीक एंड स्मैश, तो ये पावरफुल वाला मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। तो क्या जो मेरा तीसरा है उसमें सबसे पहले आप स्मैश मारोगे, ठीक है, जो आपका अपोनेंट रहेगा वो आगे ब्लॉक करेगा, आप री ब्लॉक करोगे, उसके बाद वो फिल लिफ्ट करेगा और फिर आप आके स्मैश मारोगे। ठीक है, तो ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो स्मैश इम्प्रूव करने के लिए। ये मैंने स्मैश मारा, तो क्या स्मैश मारने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहला है गुड टेक्निक, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा है शटल और रैकेट का कांटेक्ट, जितना अच्छा कांटेक्ट होगा आप उतना अच्छा स्मैश मार पाएंगे। तीसरा है कि स्ट्रेंथ, आपकी बॉडी में काफ़ी स्ट्रेंथ होना चाहिए स्मैश मारने के लिए। ठीक है, आप स्मैश मारे जा रहे हो ठीक है, और आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है काफ़ी, तो क्या होगा आपके रिस्ट, एल्बो, शोल्डर्स में पेन चालू हो जाएगा, जिससे आपको इंजरी होने के चांसेस बहुत हो जाता है। ठीक है, तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, लाइक थेराबैंड ट्रेनिंग, ठीक है, जिम ट्रेनिंग, पुलअप, पुशअप्स, तो ये सब कुछ आप स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको इंजरी होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे और आप अपना पावर भी इंक्रीज करेंगे। मेरे इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, प्रॉपर टेक्निक यूज़ कीजिए, ठीक है, और जब भी आप स्मैश मार रहे हो तो उसका वीडियो रिकॉर्ड किए और मैच कीजिए, ठीक है, कि मैं कैसे स्मैश मार रहा हूँ, क्या मेरी गलती हो रही है, तो इससे आप बहुत जल्दी सीखेंगे। तो अगर आप मेरे वीडियो से कुछ सीखे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। एंड आप कोई भी डाउट है बैडमिंटन से रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, या इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं, मैं वहाँ डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। सो गाइस, तब तक सीख लिए। Fearless.